स्वामी का चरित्र को हम श्रवण करेंगे। इसलिए अभी हम श्रवण कर रहे थे, जब महाप्रभु श्री गदाधर पंडित के पास में कथा सुनने जाते थे तो गदाधर पंडित प्रश्न करता था, बोले प्रभु आज क्या कथा सुनना चाहते हो? भगवान की कथा ना भक्तों का चरित्र है। महाप्रभु साधकों को शिक्षा देने के लिए बोलते थे मेरे को बारंबार भक्तों का चरित्र को श्रवण कराओ, जिनकी चरित्र सुनने पर हमारे हृदय में भावना आएगी, हमें भी ऐसे भजन करनी चाहिए हैं, जैसे भक्त लोग पहले भगवान की भक्ति करते थे, कैसे श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, कैसे हरिदास ठाकुर ऊपर में 22 बाजार में कोड़े से उनको पिटाई हुई, लेकिन इतने कष्ट भोगने का बाद में भी वो कहते हैं भगवान तो बड़े दयालु है, ठाकुर तो मेरे को थोड़ी सी दंड देकर छोड़ दिया, भगवान बड़े दयालु, लेकिन 22 बाजार में पिटाई हो गई है, क्योंकि हमने इन कानों में हमने भगवान की बुराई हमने सुनी है। लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई दुख कष्ट आता है ना, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माला छोड़ देंगे, बोलेंगे हमने भगवान की इतना भजन किया, भक्ति की, ठाकुर जी हमारे साथ में ऐसे व्यवहार किया है, हैं? लेकिन यहाँ पर शिक्षा देते हैं जब भक्तों का चरित्र सुनेंगे, बोले नहीं, दुनिया तो एक दिन छूटने वाला है ही है, हम नहीं चाहने पर हमें दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन भगवान के भजन को नहीं छोड़नी चाहिए। भक्तों का चरित्र से बड़ी शिक्षा मिलती है, कैसे भजन करते थे, कैसे उठते थे, कैसे जगते थे, कैसे व्यवहार था, इनकी चरित्र से बड़ी बड़ी शिक्षा की चीज़ मिलती है। इसलिए हम ऐसे ही हमारे श्री जो 6 गोस्वामी में अंतर्गत श्री सनातन गोस्वामी का चरित्र को हम श्रवण करेंगे। साधारण लोगों का भावना है ये सब बाबा जी साधु कौन बनता है, कभी जिनके घर में पैसा कमाई का कभी उपाय नहीं, घर में खाने के लिए नहीं, रहने के लिए ठीक से नहीं, वो सब घरवाड़ छोड़ करके ये साधु सन्यासी बन जाते हैं, साधारण लोगों का ये भावना है। लेकिन श्री बिल्वा मंगल कहते नहीं, अगर किसको जीवन में एक भक्ति की बूंद अगर किसका आस्वादन का विषय हो जाए, विश्व ब्रह्मांड का वैभव उसको सामने तुच्छ हो जाते हैं। इसलिए कहते साध्वी माधिक चिंता न भवती सरकरे कर्कशासी, वो कहते हैं जो सरकरा को, जो सरकरा जानते कि नहीं, जो बहुत मीठा है, बोले हे सरकरा तू तो कर्कश हो गया, तू तो कड़वा हो गया, हैं? कहते अमृत अमृतमसी, जो हे अमृत तू मर जा, हैं? बोले द्राक्षा द्राक्षसी, एक अंगूर का रस होता है द्राक्षा रस, बड़ा स्वाद होता है, बोले हे द्राक्षा रस तेरे तरफ में और कोई देखेगा भी नहीं, हैं? इसलिए अगर राधा कृष्ण का प्रेम रस अगर एक बूंद किसकी आस्वादन का विषय हो जाए, जगत का सारे भोग सुख सब तुच्छ हो जाता है, यहाँ तक भी साधारण सुख की बात छोड़ दो, कहते जो ब्रह्म सुख है, जो स्वर्ग सुख है, कहते हैं कोटि ब्रह्मानंद नैतार एक बिंदु, कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु, कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद है करोड़ों ब्रह्मानंद मिलकर के भी उसको साथ में उसको बराबर नहीं कर सकते, इतने आनंद प्रभु की भक्ति में, प्रभु की प्रेम में इतने आनंद है, हैं? इसलिए कहते हमारी संप्रदाय में महाप्रभु का जितने भक्त हुए कोई साधारण नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम तो सुने होंगे, वो इतने संपत्ति इनको पास में था, बताए कहते इंद्र के बराबर जिनके घर में ऐश्वर्य, कहते पत्नी कही थे श्री, बोले पत्नी अप्सरी जैसे पत्नी उसकी, इतनी सुंदरी पत्नी, लेकिन महाप्रभु का बातुल जारे के राखते पारे, लेकिन महाप्रभु का प्रेम में एक बार कोई पागल हो जाए ना, दुनिया में कोई भी ऐश्वर्य उसको रोक नहीं सकते, कोई भी ऐश्वर्य उनको रोक नहीं सकते। हमारे साथ में देखो बच्चों को, जैसे बच्चे सब उनको नौकरी फोकरी कर रहे थे, जो खड़े खड़े प्रभु जी हैं, या आडो में नौकरी करते थे, इनके 1 लाख तनख्वाह थी, और जो दूसरे प्रभु जो अभी जो लगा कर गए वो बिठे के उन्होंने किया है, और जो दूसरे और एक प्रभु जी वो जो दवा को क्या करते, दवा के ऊपर जो काम करते हैं उन्होंने ये किया है, ये सबके सब एक एक घर से अच्छे अच्छे लिखे बड़े सबके सब है, लेकिन जब उनको भक्ति का रस मिला है ना,
उनके सामने सारे रस उनके सामने फीकी हो गई, सारे रस सब छोड़ छाड़ करके भगवान की भजन में आ गए। उसी कड़ी में श्री सनातन गोस्वामी आज इनकी चरित्र सुनेंगे। कहते ये कौन थे पहले, ये नवाब का प्राइम मिनिस्टर थे हैं। अभी तो प्राइम मिनिस्टर के लिए कितने लड़ाई, कितने पार्टी, हम बनेंगे हम बनेंगे हम बनेंगे, लेकिन उसी समय नवाब का आदरणीय में प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जब उनको महाप्रभु का आनंद मिला, उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके श्री महाप्रभु के शरण में आ गए। यहाँ तक भी कितने पैसा उन्होंने, राजा उनको जेल में बंद कर दिया, ये भाग नहीं जाए नौकरी छोड़ करके, जेल में बंद कर दिया। अब कुछ होता है, और तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर पद को ये छोड़ नहीं दे, इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया राजा हैं। इनको अपना भाई मानता था, ये हमारी छोटे भाई में बड़ा भाई, ये हमारी छोटे भाई, ये है प्राइम मिनिस्टर का पद था इनको, फिर ये प्राइम मिनिस्टर पद को छोड़ नहीं दे इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। इतने बड़े पद को छोड़ नहीं दे इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने जेल कीपर को बोला, बोले देख भैया एक दिन मैं भी तेरा उपकार किया हूँ, अभी तू भी मेरा उपकार को कर, नौकरी तो मैं ही नहीं तेरे को दिलाया था ना हैं, अभी मेरे भी तुम उपकार करो, अभी मेरे को तुम जेल से छोड़ दो। बोले नहीं, राजा को पता चलेगा तो मेरे को मार डालेगा राजा। बोले चिंता क्यों, मैं तेरे को रास्ता भी बता दूंगा। बोले देखो तुम ये बोलना, ये शौच क्रिया के लिए उनको ले गए थे हैं, पहले तो घर में नहीं होता था, बाहर होता था, और गंगा में स्नान करने के लिए गए तो कहीं डूब गए, ये कहीं डूब गया, बस बोल देना, और मैं इतने दूर चला जाऊंगा, इतने दूर चला जाएगा पता ही नहीं कहाँ गया नहीं गया, बस, और तेरे को मलाई माल मिल जाएगा। पहले तो उसको सामने 5,000 स्वर्ण मुद्रा उसको सामने रख दिया, कितना 5,000 सोने की मुद्रा। अब सोच सकते हो 5,000 कितना होगा, घर भर जाएगा हैं, 5,000 स्वर्ण मुद्रा घर में भर सामने रख दिया। वो देख करके ना जीव में पानी आ गया, बोले मेरे तो मैं मेरा बेटा का बेटा का बेटा का बेटा खाएगा तभी ये खत्म नहीं होगा हाँ, इतने धन दौलत तब भी ये खत्म नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी तब भी थोड़ा आनाकानी कर रहा था, और थोड़ा ज्यादा मिल जाए आनाकानी कर रहा था, इतने में देखा इससे इसका मन नहीं भर रहा है, फिर और 2,000 स्वर्ण मुद्रा उनको सामने रख दिया, 7,000 स्वर्ण मुद्रा उसको सामने रख दिया। देख कर तो पागल हो गया वो हाँ, 7,000 स्वर्ण मुद्रा इतने पैसा, उसको बुद्धि खराब हो गया। तब बुद्धि खराब हो गया तो फिर तभी इधर उधर बोल रहा था, बोले कोई चिंता नहीं, बोल देना डूब गया गंगा में, डूब गया कहाँ चला गया। और कहते भगवान ने स्वयं गंगा पार करने के लिए कहते मगरमच्छ बन करके आ गए ठाकुर जी, मगरमच्छ बन करके आ गए, और सनातन गोस्वामी को पीठ में बैठा करके उनको पार करा दिया। कहाँ पार कर दिया उनको, गंगा पार करा दिया हैं, गंगा पार कर दिया। इतने बड़े पैसा वाले, और उन्हें नौकरी छोड़े कैसे जानते हो, उन्होंने बहाना बना दिया, जब भगवान के प्रति आपकी ज़्यादा रुचि हो ना, ज़्यादा भक्ति में तुम्हारी प्रीति हो, देखना स्वाभाविक रूप में ये संसार की वस्तु में तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाती हैं। जितने परिमाण में कहते भक्ति परेशा अनुभव विरक्ति अन्यत्र, जितने भक्ति होगा उतना भगवान की अनुभूति होगी, और जितने ठाकुर की अनुभूति होगी, ठाकुर का जो अनुभूति ना, इतने आनंद उसमें, इतने आनंद है, स्वाभाविक रूप में ये जड़ विषय में तुम्हारी रुचि ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ अच्छा लगेगा जहाँ पर भगवान की कथा हो, ठाकुर का कीर्तन हो, वह सब चीज़ अच्छी लगेगी स्वाभाविक रूप में, और जहाँ पर दुनियादारी की चर्चा, इसकी चुगली, निंदा, उसको उसी विषय में उसकी रुचि रहने जाएगी। इसलिए वो क्या करते थे, बहाना बना देते थे, बोले जैसे जो प्राइम मिनिस्टर थे ये, इनके बगैर तो कोई काम ही नहीं होगा, अभी कोई भी काम होगा प्राइम मिनिस्टर जरूरत है ना, अभी इनको तो प्राइम मिनिस्टर है, इनके बगैर तो कोई काम नहीं होगा। और जब से इनको राजपद में नियुक्त तो किया ना, दिन दोगुना रात चौगुना इनके ऐश्वर्य बढ़ने लग गया, क्योंकि वो इतने बुद्धिमान, ये दोनों भाई थे इतने बुद्धिमान, पहले क्या होगा नहीं होगा सब बता देते थे। इतने इनके समृद्ध राजा की इतने धन दौलत बढ़ रहा था, एक देश में दूसरे, दूसरे को तीसरे राज्य बढ़ते जा रहा था, पैसा बढ़ते जा रही थी, इतने बुद्धिमान ये दोनों, इतने बुद्धिमान ये भाई थे। अभी
अभी राज्यसभा मीटिंग बैठा हुआ, इनके बगैर तो हो नहीं सकता, खबर भेजा नौकर से सनातन गोस्वामी को बुलाओ। लेकिन उन्होंने बहाना बना दिया मेरे को बुखार हो गया है, लेकिन बुखार बुखार कुछ नहीं, उन्होंने बहाना बना दिया मेरे को बुखार हो गया है। वो सोच रहे थे राजा मेरे को नाराज होकर के, बोले तू नौकरी से तू भाग, नौकरी से प्राइम मिनिस्टर नौकरी से तू भाग जा, फिर तो मैं वृंदावन जाकर प्रभु का भजन करूंगा। तब उन्हें जब बुलाए नौकरी के लिए, जब बुलाए उन्होंने, इन्होंने बहाना बना दिया मेरे को बुखार है। तब उन्होंने राज वैद्य भेज दिया, बोले वैद्यों को भेज कर बोले देखो क्या बुखार हुआ, जाकर उनको दबा दो। जब उन्होंने डॉक्टर को भेजा, बोले तो चंगे हैं, इसको तो बुखार बुखार कुछ है नहीं, वो तो साधु संत और ब्राह्मण को लेकर के उनको साथ में हरिचर्चा भागवत कथा है, हरिचर्चा हरिचर्चा कर रहे, कोई बुखार बुखार कुछ नहीं। तब उन्होंने आकर के बोले उनको तो बुखार बुखार कुछ है ही नहीं, हम तो जाकर देखा मस्त है, वो तो आपस आपस में प्रभु की चर्चा भगवान की कथा में मस्त थे, हैं भगवान की कथा में मस्त थे। तब उन्होंने राजा फिर बुलाया, बोले देखो तुम जो दोनों भाई है ना, तुम मेरे छोटे भाई हो। वो मानता था, मतलब इतने उनके प्यारे थे, इतने बुद्धिमान, बोले मानता था जो राजा नवाब, ये मेरे छोटे भाई, में बड़े भाई ये मेरे छोटे भाई हैं। और स्वस्थ थे जो दो भाई थे रूप सनातन, स्वस्थता था ये दोनों हाथ है, हाँ जैसे हाथ अगर हम कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं, बोले ये तुम दोनों हाथ है, अगर ये अगर नहीं करेगा तो फिर तो हमारा राज्य ही ठप हो जाएगा, क्योंकि उनकी परामर्श से तो दुनिया चलता है, हैं दुनिया चलता है। फिर अभी यहाँ प्रश्न होता है, तो उन्होंने झूठ कैसे बोल दिया, उनको तो बुखार बुखार कुछ था नहीं, वो तो चंगे थे सही थे, लेकिन उन्होंने झूठ क्या बोल दिया, राजा के पास में खबर भेज दो इनकी बुखार हो गया। तो उन्होंने झूठ कैसे बोला, भगवान की भजन कर रहे हैं और झूठ कैसे बोल दिए, तो पाप लगेगा ना झूठ बोलने पर। लेकिन शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं, बोले मत निमितम कृतम पापम धर्माय कल्पते, मत अनादृत पुण्य अपि पापम स्यात्। देखो इस चीज को समझो है, कहते अगर मेरे को उद्देश्य करके, मेरे प्रेम को, मेरे भक्ति को उद्देश्य करके अगर कभी कुछ झूठ बोल देता है ना, कहते उसमें झूठ नहीं, उसको उसको झूठ नहीं माना जाएगा, पर आगे आ जाओ, झूठ माना नहीं जाएगा उसको, हाँ पुण्य माना जाएगा। बोले पुण्य क्यों माना जाएगा, ज्यादा बोलो मतलब, इसलिए उसको पुण्य माना जाएगा क्योंकि वो मेरे लिए कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है। जैसे किसका पति भक्ति नहीं करता, भगवान की भजन करने नहीं देता है, वृंदावन धाम में जाने नहीं देता है, अगर कोई बोल दे हाँ वृंदावन जाने के लिए सोच रही, भक्त लोग वृंदावन जा रहे हैं, मैं एक दिन घूम करके आ जाऊं, हैं एक दिन घूम करके आ जाऊं, अगर उसको पूछे हैं, अगर उसको पूछे पति को पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, बोले मैं पीहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो, पीहर जा रही हूँ, लेकिन पीहर का तो नाम लिया लेकिन चला गया वृंदावन, ठाकुर को दर्शन करके आ गया, लेकिन यहाँ पर तो झूठ बोली है ना, झूठ बोली मैं पीहर जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ गई, गोवर्धन परिक्रमा आकर के आ गए। आप बोलोगे उसने तो अपना झूठ बोल दिया, बोले ये अगर ये झूठ है, लेकिन होने पर भी भगवान कहते हैं चूंकि वो मेरे लिए कर रहा है, वो झूठ नहीं, वही पुण्य है, वही पुण्य है। कहते अगर मेरे को छोड़ करके अगर कोई पुण्य भी कर रहा है, कोई पुण्य भी कर रहा है, मेरे को छोड़ दिया लेकिन पुण्य भी कर रहा है, कहते उसकी प्रभाव से वो पुण्य भी पाप ही है, क्यों, वो मेरे को उद्देश्य नहीं कर रहा है। तो उनको एक छोटी सी कथा शास्त्र में आया है, मतलब एक समय भगवान के जो रंगजी मंदिर है ना दक्षिण दिशा में, दक्षिण में रंगजी मंदिर पहले टूटा फूटा पड़ा हुआ था, एकदम जीर्ण शीर्ण ठाकुर का मंदिर। एक संत थे, उनने देखा कहाँ नारायण है, लक्ष्मी किसका, नारायण का तो लक्ष्मी है ना, कहाँ नारायण है, उनके मंदिर ऐसे के तैसे पड़े हुए और यहाँ पर सब बड़े बड़े धनी लोग हाँ पैसा पैसा से, लक्ष्मी तो पैसा है, लक्ष्मी तो ठाकुर का, लेकिन ये लक्ष्मी को क्या अपना भोग में लगा रहे हैं। तो उन्होंने एक राजा था उसको पास में गए, बोले देखो ठाकुर का मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ, भगवान दुनिया का जो मालिक जिसने सब कुछ दिया उसका मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ, और तुम लोग ऐश्वर्य को भोग कर रहे हो, हैं ऐश्वर्य भोग कर रहे हो, इतने में बोले कुछ पैसा दे दो जैसे ठाकुर की सेवा हो जाए। बोले हाँ
मैंने पैसा कमाया ठाकुर की सेवा के लिए ना, मैं भोग करने के लिए, मैं पैसा वैसा कुछ नहीं देता, भगवान की सेवा के लिए। संत ने देखा जिसका पैसा लक्ष्मीदेव नारायण की, ये भगवान की सेवा के लिए मांग रहा हूँ, कहते ये मेरे भोग के लिए, ये ठाकुर की सेवा के लिए। तब उन्होंने चार चेला बनाया, बड़े प्रसिद्ध संत थे, चार चेला बनाया। चार चेलों को उन्होंने चार विद्या सिखाया, कहते एक को एक विद्या सिखाया जो पानी में चल करके चल सकता है, एक और एक विद्या सिखाया जितने बड़े ताला क्यों नहीं हो, मंत्र पढ़ करके फूंक दो ताला खुल जाएगी। एक को ये विद्या सिखाया किसकी परछाई के ऊपर खड़े हो जाएगा तो आदमी हिल भी नहीं सकते हैं, और एक को ये विद्या सिखाया अगर किसको साथ में वो बात करने लग जाए, तर्क वितर्क करने लग जाए, उसको छोड़कर कोई जा नहीं सकते। चार चलो को चार विद्या सिखाया, बोले जाओ और राजा को पास में सारी संपत्ति को उठाकर ले आओ और भगवान की मंदिर बनाएंगे। पहला चेले को भेज दिया, उसने जाकर के राजा को साथ में ऐसे तर्क वितर्क किया ना, उसको छोड़कर आना कठिन है। दूसरे को भेजा, जाओ ताला में फूं मारो और ताला खुल जाए, वो खुल गया। तीसरे को बोले सारे धन सोना चांदियों को गठली बांधो और पानी के ऊपर में चलते हुए चले आओ। चौथा को भेजा, अगर वो राजा अगर भागने के लिए कोशिश कर परछाई में खड़े हो जाना, वहां से हिल डोल भी नहीं सकते। वो सब पैसा लेकर के लाए, ला करके भगवान की सुंदर भगवान की मंदिर बनाया। ये पाप है, लेकिन यहाँ पर कहते वो पाप नहीं है, पुण्य है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की, ये लक्ष्मी को ला कर कहाँ से किया, भगवान की सुंदर मंदिर बनाया, ठाकुर के लिए सुंदर गैया रख दिए, ठाकुर के लिए रोसिया रखी, ठाकुर की बढ़िया सेवा हो रही है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्री सनातन गोस्वामी तो झूठ बोले हैं, झूठ तो बोल दिए, लेकिन झूठ होने पर भी क्यों झूठ बोल रहे थे, बोले ठाकुर की सेवा के लिए, क्योंकि दुनिया उसी की है, दुनिया उसने बनाया, उसके लिए अगर कोई भी हाँ कोई पाप कर्म कर देते हो, जैसे पति को झूठ बोल दिए हैं, पति को झूठ बोल करके वृंदावन चले गए, नहीं तो सत्संग में आ गए, नहीं तो पति को अपना पैसा कुछ निकाल करके हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पैसा ले लिया, लेकिन वो पैसा ठाकुर को सेवा में कहीं लगा दिया, कहीं भक्तों की सेवा में लगा दिया, लेकिन दिखाई पड़ता है तो झूठ बोले, लेकिन झूठ झूठ उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो ठाकुर जी की सेवा के लिए कर रहे हो, हैं ठाकुर की सेवा के लिए कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जो रूप गोस्वामी, इन लोगों ने झूठ तो बोला, लेकिन झूठ बोल करके प्रभु की सेवा के लिए उनने झूठ बोला, इसलिए उनको झूठ नहीं कहा जाएगा। कहते ये दोनों भाई जो थे, कहते श्री सनातन गोस्वामी कौन है, ये कौन है, क्योंकि जो भगवान इस जगत में चैतन्य महाप्रभु आए वो अकेले नहीं है। कथा गई वो नहीं, चुप रहो, कथा बस सुनो ना, कथा कर। हाँ, इसलिए जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए वो अकेले नहीं आए हैं। कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद शिवधाम सहावतरी। जब भगवान इस जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते, पूरा धाम को लेकर के इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, इसलिए अपना परिकरों को लेकर के आए। तो कहते ये सनातन गोस्वामी कौन है कृष्ण लीला में, तो उसके लिए कहते हैं बोले जारूप मंजरी प्रेष्टा पुरासीत रति मंजरी सोच्यते नाम भेद न लंबंग मंजरी बुद्धि। कहते ये श्री रूप गोस्वामी की अत्यंत अत्यंत प्रिय है, जो कोई कोई कहते ये रति मंजरी भी है और नाम भेद में इनको लवंग मंजरी कहते, राधा रानी की एक प्रिय ये सखी है, हैं ये श्री सनातन गोस्वामी। अभी कृष्ण लीला में हम लोग कुछ शिक्षा देने के लिए, जीवन में कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे भजन करनी चाहिए हमें पता नहीं, इसलिए इसी जगत में उन्होंने एक साधक रूप में आए और अपना जीवन में आचरण करते हुए हमको सिखाया प्रभु की भजन कैसे करनी हमें चाहिए, इसलिए उन्होंने इस रूप में आए। इसलिए कहते ये कहते सद्य गौराभिर्न तनु सर्वाराध्य सनातन तमेव प्रविशत कार्यात् निरंतम सनातनम। कहते सनातन गोस्वामी कहते ये बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म, भारद्वाज गोत्रीय उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म थे। ये दो भाई सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी और भी एक है, और भी इनके एक भाई थे अनुपम, ये तीनों भाई थे, तीनों भाई के तीनों ही संत बने,
कि दो भाई तो त्यागी घर छोड़कर भजन करने आए और एक भाई घर में उन्होंने रह करके भजन किया और उनका ही बेटा हुए श्री जीव गोस्वामी। कहते ये कैसे मंत्री पद को स्वीकार किया, इनको राजा कैसे, एक को प्राइम मिनिस्टर पद में और एक को फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब पैसा जो रखते हैं जो है उसको उसी रूप में रखते, बोले कैसे। बोले एक समय क्या हुआ, जो नवाब मुसलमान एक मस्जिद बना रहा था, जो मिस्त्रियों ने एक बड़े सुंदर मस्जिद बनाई, एक दिन वो ऊपर देखने के लिए गया मस्जिद कैसे बनाया, उन्होंने देखा क्या सुंदर मस्जिद बनाए। राज नवाब तो देख रहे खुश हो गया, बोले वाह कितने सुंदर बनाए मस्जिद। इतने में जो उसका जो मेन मिस्त्री था ना, होता है ना किसी अगर प्रशंसा कर दो क्या बनाया, और क्या सोचते हैं अरे देखो मैंने कितना बढ़िया बनाए। इतने में उसने बोल दिया अरे ये क्या, इससे तो मैं बढ़िया बना सकता था। मुसलमान राजा खाते हैं गोमांस है, आप देखना जो जैसे अन्न खाए ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। जो इसे मांस फांस खाते हैं ना, देखना उनका अंदर में स्वाभाविक रूप में तम गुण रहता है, स्वाभाविक रूप में। बाघ को देखो, शेर को देखो, कुत्ते को देखो, जो मांस खाते हैं ना उनका अंदर में हर समय तम गुण उसका शरीर में रहता है, क्योंकि अन्न जैसे खाओगे तुम्हारी मन भी वैसे बनेगा। अभी बड़े तामस की प्रवृत्ति, बोले तू अगर इससे बढ़िया बना सकता था फिर घटिया बनाए क्यों तुमने। वो जो पूरा जो मस्जिद ऊपर ना, राजा धक्का मार कर उसको गिरा दिया, बस राम नाम सत्य हो गया, उसको मर गया। वो मर गया तो वो बड़े क्रोध में था, इतने में बोले ए जाओ ले आ करके वो गिरा नहीं दे। वो वहां से ना डर के मारे भाग गए, भाग करके अभी रोड रोड में ना दुखी होकर घूम रहे, दुखी होकर घूम रहे। कहते अगर खाली हाथ में जाएंगे, बोले ले आओ हमें पता नहीं क्या ले जाएंगे, अगर खाली हाथ में जाएंगे भैया हम भी मरवा सकता है। लेकिन राजा बाद में सोचा मैंने तो बोल दिया ले आओ, लेकिन ये बताया नहीं अकेले क्या लेकर के आओ। वो बड़े दुखी दुखी होकर रास्ता में भटक रहे थे। लेकिन जो दोनों भाई थे सनातन रूप गोस्वामी हैं, तो इन्होंने देखा ये लोग ऐसे ऐसे रास्ता में भटक क्यों रहे, इधर उधर घूम रहे क्यों। बोले भैया इधर आओ, क्या बात, क्यों ऐसे दुखी होकर क्यों घूम रहे हो। तो उन्होंने सारी बात बता दी ऐसे ऐसे। लेकिन वो तो बड़े चतुर थे, वो समझ गए जो मैन मिस्त्री को तो मरवा दिया, अभी इसको पूरी कैसे होगी, पूरी तो होनी चाहिए ना। इसलिए उन्होंने बोले ले आ, मतलब और अच्छे मिस्त्रियों को ले आओ जो ये काम को पूरी कर दे। लेकिन वो बता नहीं पाए इसलिए, और अभी जा नहीं पा रहे, उन्होंने अच्छे अच्छे मिस्त्री को ढूंढ कर बोला इनको लेकर चले जाओ। लेकिन वो भी सोच रहा था, बोला तो ले आओ कुछ बोता ही नहीं, लेकिन उन्हें जो अच्छे मिस्त्रियों को लेकर गए, बोले भैया तेरे को पता कैसे चला मिस्त्री को लेकर क्या ना, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। बोले हम तो बड़े दुखी होकर घूम रहे थे, दो भाई थे बड़े सुंदर देखने में, लंबे चौड़े हैं, भारद्वाज गोत्रों के बड़े सुंदर लंबे चौड़े देखने में दो भाई थे, उन्होंने हमें पूछ करके अच्छे मिस्त्री दे दिया। बोले भैया ये दो भाई कोई साधारण नहीं हो सकते हैं, बड़े बुद्धिमान। फिर उन्होंने उनको बुलाया, सचमुच से देखा क्या संस्कृत का ज्ञान इनके अंदर में, क्या विद्वता, देखने में लंबे चौड़े महापुरुष जैसे, क्योंकि महापुरुष है ही तो, गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निजे जन है। तब बोले तुम दोनों को, एक को प्राइम मिनिस्टर पद देना चाहता हूँ और एक फाइनेंस सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको बना दिया, जब बना दिए, लेकिन ये तो ब्राह्मण घर के, लेकिन काम किसका कर रहे हैं, मुसलमान की अधीन में ये काम कर रहे हैं, अधीन में काम कर रहे हैं। इसलिए पहले इनका घर का नाम था अमर और संतोष, घर के पिताजी का नाम था। लेकिन जब उन्होंने ये मुसलमान का अधीन में काम किया, उन्होंने उनका नाम मुसलमान नाम रख दिया दबीर खास और साकर मल्लिक, इनका नाम रख दिया दोनों का। लेकिन फिर जब ये चैतन्य महाप्रभु के पास में आए, फिर इन्होंने उनका नाम रखा रूप और सनातन, महाप्रभु इन दोनों का नाम रूप और सनातन इनका नाम रखा। जब नाम रखा, अभी इनको तो जेल में बंद कर दिया। तो फिर जेल में बंद करने के बाद इनको पास में रूप गोस्वामी ने एक पत्र लिख करके भेज दिया है। रूप गोस्वामी देखो पत्र क्या लिखा हुआ था, बोले जदुपति को गता मथुरापुरी, रघुपति को गता तर कोसलापुरी, इति विचिंत कुरुस्व मन स्थिरम न सदिदम जगदित्य बधारय। हाँ देखो ये क्या कह रहे हैं, बोले देखो हैं
कद जदुपते को गता मथुरापुरी। एक दिन कृष्ण मथुरापुरी में राज्य तो कर रहे थे मथुरा की, हाँ मथुराधीश भगवान कृष्ण बने एक दिन। बोले भगवान तो एक दिन मथुराधीश बने और भगवान राम क्या बने, एक दिन उन्होंने कौशल्या बेटा बनकर क्या है अयोध्या में राजा की। बोले अभी वो कहाँ राज्य, वो राज्य कहाँ है, वो मथुरापुरी कहाँ और ये है, कहते मथुरापुरी कहाँ, ये द्वारकापुरी कहाँ, सबके सब एक दिन ही सबके सब खत्म हो गया। इसका मतलब वो बताना चाह रहे थे एक दिन ये संसार एक दिन नष्ट होने वाले, संसार एक दिन नश्वर है आज है और ये कल नहीं, एक दिन ये सबके सब खत्म। आज तुम प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, अगर अगले इलेक्शन में अगर नहीं आएगा फिर उसको कोई पूछेगा राज्य रहेगी, रहेगा तो कब तक ये रहेंगे, कब तक राज्य रहेगा, एक दिन सबके सब ये नष्ट होने वाले हैं। हाँ इसलिए उन्हें पत्र लिख करके भेजे, भैया एक दिन सबके सब नष्ट हो जाएगा, हैं ये कुछ भी एक दिन रहने वाले नहीं, ये चीज को अच्छे तरह से विचार करो। विचार करके क्या करो, जो जेल में तुम बंद पड़े हो जल्दी जल्दी इसको छोड़ करके आओ और श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में तुम लोग चले आओ, हैं। इसलिए कहते अगर महाप्रभु ने राय रामानंद को प्रश्न किया, राय रामानंद कौन, राय रामानंद उसी समय में जो उड़ीसा का और उड़ीसा के राजपद में थे, हैं वहां पर श्री राय रामानंद थे, वहां के बहुत बहुत बड़े पद में थे राय रामानंद, वहां के गवर्नर थे, लेकिन उन्होंने भी सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु की भजन करने के लिए आए। तो महाप्रभु उनको प्रश्न करते हैं, उनका प्रश्न है बताओ तो जगत में सबसे बड़ा पद क्या है, जगत में सबसे बड़ा पद क्या है, सबसे बड़ा पद क्या है। तो बोले प्रभु अगर जगत में कोई भगवान की भक्त रूप में अगर कोई स्थापित हो जाए, भगवान की भक्त बन जाए, इससे बड़ा पद जगत में कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा पद ठाकुर की भक्त बन जाए। बड़ा पद ये नहीं राष्ट्रपति बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मुख्यमंत्री बने, ये बड़ा पद नहीं। जैसे जोगी अभी है, ये मुख्यमंत्री कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, लेकिन कब तक, अगले इलेक्शन में नहीं आएंगे तो कोई फिर कोई पूछेगा, कोई कोई पूछेगा, अखिलेश यादव को कोई पूछ रहे हैं, मायावती को कोई पूछ रहे हैं, लालू को जेल में बंद कर दिए, हैं जेल में बंद कर दिए। कभी जगत का जो बड़े से बड़े पोस्ट है ना, दो दिन बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन कहते जगत में सबसे बड़ा पोस्ट क्या है, कहते अगर कोई भगवान की भक्त बन करके बड़ा बन जाए, जैसे हनुमत लाल, इनका नाम कभी खत्म होगी, मीराबाई का नाम कभी खत्म होगी, तुलसीदास का नाम कभी खत्म होगी, सूरदास का नाम कभी मिटेगा, ध्रुव प्रहलाद का नाम कभी खत्म होगी। इसलिए भाई बड़ा बना है ना, हीरो हीरोइन बन करके नहीं, प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन करके नहीं, अगर जगत में सबसे बड़ा बनना चाहते हो क्या बन करके, कृष्ण भक्त बड़े बन करके एक बार दिखा दो, भगवान की भक्त एक बार सही सही भगवान की साधन भजन करके सही, जैसे हमारे गुरु जी है, हमारे गुरु जी देखो पृथ्वी में दो दिन पहले उनकी व्यास पूजा गई ना, संपूर्ण पृथ्वी में इनका व्यास पूजा हो रही थी, संपूर्ण पृथ्वी में घर घर में मंदिर मंदिर में इनकी जय घोषणा हो रही थी, इनकी महिमा को गा जा रही थी। बोले क्यों, उन्होंने भगवान के भक्त बनकर बड़े बने, इसलिए बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनकर के नहीं। हाँ जैसे सुशांत था मर गया फिर कौन पूछेगा, श्रीदेवी थी गई कौन पूछेगा, अमिताभ बच्चन अभी अभी है 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे अभी कोई उनको पूछ रहे हैं क्या, कोई कोई नहीं पूछ रहे इनकी, लेकिन हनुमान को पूछ रहे कि नहीं, घर घर में पूजा हो रही है इनकी, गणेश जी की पूजा हो रही कि नहीं, शंकर जी की पूजा हो रही कि नहीं, देवी मैया की पूजा हो रही कि नहीं, हैं जय माता जी बोलकर कितना लोग जाते हैं चल चल करके, हैं माता जी को दर्शन करने के लिए, शंकर जी को पानी चढ़ाने के लिए, क्यों, कारण क्या, जो शंकर जी कौन है, शंकर जी वैष्णवानाम यथा संभो, कहते भगवान की भक्त में श्रेष्ठ है, माता जी कौन वैष्णवी, जैसे हम लोग वैष्णव है ना, इसलिए माला भी माता जी भी गले में तुलसी की कंठी पहनती हैं, तुलसी कंठी माता जी गले में तुलसी कंठी है, वैष्णवी हो है, हैं? इसलिए कहते बड़ा बन किस क्या बन करके, भगवान की भक्त बन करके बड़ा दिखा दो दुनिया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी, तुम्हारी पूजा कभी नाम कभी मिटेगी नहीं, हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने पत्र लिखा, बोले भैया चीज को
अच्छे तरह से समझो कि दुनिया की सारी प्रतिष्ठा, सारी गौरव नाम एक दिन जब भगवान मथुराधीश थे, हैं मथुरा भी नहीं रहा, रामचंद्र थे अयोध्या में, कुछ भी नहीं रहा, एक दिन सबके सब खत्म होने वाले। इसलिए अगर ये चीज को अच्छे तरह से मन में स्थिर करके जल्दी जल्दी तुम चले आ। जब उन्होंने छोड़ करके हैं, जब उन्होंने छोड़ करके राज्य पद को गए, उनका एक सेवक था, उनकी एक सेवक था, क्या तो उनका जो टाइम हो गया ना, हो गया ना। सुना इसको, सबको एक एक दे दो, व्रत खोलने का टाइम हो गया, सबको एक दे दो। हे और व्रत खोल लो, तुम सब भी व्रत खोल लो जल्दी जल्दी। हाँ व्रत खोल दो, टाइम हो गया बहुत कम, सबका हाथ में एक दे दो ना, और सबका हाथ में एक एक दे दो, दे दो। और हे और नहीं है, दे 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 दो सबको, ले लो एक एक दे दो सब, सब मुंह में एक एक, एक, एक कहाँ जा रही हो, अरे इसको ये लेकर जाओ, ये मुंह में डाल कर, क्योंकि केवल 10 मिनट के अंदर में ना वो व्रत खोलने का है, नहीं तो उसको बाद में व्रत खोलने पर एकादशी का फल नहीं, फटाफट दे दो उनको हाथ में, दे दो सबको, इनको नहीं मिला इधर, अरे फटाफट निकल कर, 5 मिनट रह गए बस, कौन बड़ा लेटा, हाँ तो बोल दो कोई मुड़मुड़ा हो कुछ, कोई चावल हो, मुंह डाल दो, लाइक चावल मुंह डाल दो, दोनों ले लिया ना, वो रह गए पीछे, हाँ मिल गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री सनातन गोस्वामी की जय। अभी जब ये सब छोड़ करके महाप्रभु के पास में आ रहे थे, आते समय क्या हुआ, इनके एक सेवक था ईशान, इसने कहा राजमंत्री पद में ये, और इतने बड़े पोस्ट छोड़ करके प्रभु की भजन के लिए जा रहे हैं, पहले इतने आराम इतने आजाद में प्राइम मिनिस्टर का पद समझो, लेकिन सब छोड़ करके जब जा रहे थे, उनका जो सेवक ईशान ने, उन्होंने 8 मोहर रख लिया था, अगर किसी सुविधा असुविधा में इसको तोड़ करके जीवन में कोई खर्चा पानी कर सकते हैं, लेकिन पहले तो जंगल जंगल छुप करके जा रहे थे, मंत्री पद को छोड़कर छुप करके भगवान के पास में जा रहे थे, तो उन्होंने पहले जंगल का रास्ता में जाना पड़ता था, पहले जंगल में डाकू लोग चोर लोग लूट लेते थे। जब ये गए, देखो पहले क्या मंत्र था उनके पास में, एक एक गणी के मतलब होता है ज्योतिष होते से, कौन कहाँ से आ रहे नहीं आ रहे उनको पता चल जाता, और किसको पास में कितना माल है ना, वो सब कुछ उनको पता चल जाता था। उसने डाकू का सरदार को बोले, यहाँ पर 2 व्यक्ति आ रहे हैं, उनके पास में 8 सोने की मोहर है, और यहीं उनको लूट लिया जाए। जब उन्होंने आने पर इन लोगों ने जो वहाँ पर दस्यु थे बड़े आदर किया, बोले कहाँ जा रहे हो, आओ हमारे घर में आओ, खाना पीना खाओ, रात को सो, हम सवेरे आपको आगे रास्ता दिखा देंगे। उन्होंने ऐसे मीठी मीठी बोली बोल कर उनको ले आए, लेकिन सनातन गोस्वामी एक दिन ही संपूर्ण राज्य को चलाए, वो तो साधारण नहीं, मुंह खोलते ही वो उनको पता चले जाते थे कौन कौन क्यों किस लिए बात कर रहे हो, बड़े बुद्धिमान, दुनिया को चलाया है, दुनिया को उन्होंने चलाए। उन्होंने जब उनके इतने आदर जतन, उनको इतने तारीफ कर रहे थे, बोले भैया इनसे हमारी कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई परिचित नहीं, बिना परिचय के हमारे साथ में इतना क्यों अच्छे व्यवहार करेंगे, आओ रहो खाओ पियो है। वो समझ गए भैया दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, क्योंकि हम तो जानते नहीं ये कौन व्यक्ति है, हैं कौन व्यक्ति है और जंगल में रहने वाले। तो उन्होंने जो ईशान था उसको पूछे, तेरे पास में कुछ पैसा है क्या, बोले हाँ मेरे पास में कुछ सोने की मोहर है, बोले कितने था, 8, लेकिन एक छुपा करके बोले मेरे पास में 7 है, लेकिन उन्होंने बोले नहीं मेरे पास में 8 है, उन्होंने बोले मेरे पास में 7 है। तब सनातन गोस्वामी बोले क्यों ये काल को लेकर के आए, ये काल को साथ में क्यों, हम जंगल में जा रहे हैं, कोई सेफ स्थान नहीं, जंगल में जा रहे हैं और तुम मोहर लेकर के आए, मैं तो यही सोच रहा था ये हमें इतने जतन आदर क्यों कर रहे हैं, बिना कारण के बिना परिचय में, निकालो निकालो। और जो दस्यु था ना, भाई भैया इधर आओ, लो ये 7 मोहर लो, लेकर के हमके रास्ता दिखा दो,
हम अमुक स्थान जाना चाहते, हमें जंगल की रास्ता दिखा तो हम पता नहीं। उन्होंने बोला आपका पास में 7 नहीं 8 है, 8 है, पहले हमें पता चल गया था। आज रात को जब आप सो जाते ना, गला काट करके आपकी, ये 8 मोहर को हम ले लेते। लेकिन अच्छा हुआ आप पहले ही बोल दिया, इसलिए आपका हम छोड़ देते हैं, चलो हमका हम आगे रास्ता दिखा देते हैं। इन्होंने बोले आप तो छोड़ दोगे, फिर आगे कोई 10 लोग होंगे रास्ता, पहले जंगल रास्ता था, फिर आगे को का फिर वो मार्ग ले लेगा। इसलिए फिर ईशान को बोला इधर आओ, बोले तेरे पास में 8 है 7 नहीं, तेरे पास में 8 है। देखो हम लोग प्रभु की भजन के लिए जा रहे हैं, प्रभु की भक्ति करने जा रहे हैं। जब भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, इस जो चीज को जब तुम साथ में ले जा रही हो, काल है, ये काल है। हम प्रभु भगवान को विश्वास करके, भगवान हमें रक्षा करेंगे, रक्षी सती विश्वास, भगवान हमें रक्षा करेंगे, इसलिए हम भजन के लिए जा रहे हैं। अगर तुम अगर ये पैसा को लेकर जाओगे, मैं तो पहले प्राइम मिनिस्टर था, फिर सब छोड़ करके हम क्यों जा रहे हैं भजन करने के लिए? धारणा क्या है? भगवान के ऊपर में विश्वास करके ठाकुर जी की भक्ति करने से भगवान किसको भूखा नहीं रखते हैं। एक चींटी से लेकर जब हाथी तक ठाकुर जी पालन करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, क्या ठाकुर हमें भूखा रखेंगे? ठाकुर जी, हम भगवान के ऊपर विश्वास करके हम जा रहे हैं, और तुम साथ में फिर जंगल में सोने की मोहर लेकर, आज तो रात को हम खत्म कर देते, ये हमें खत्म कर देते। फिर उन्होंने क्या किया उनको, बोले तू घर में जा, अभी तेरे अंदर में भजन करने का वृत्ति नहीं, अभी तेरे अंदर में संचय की वृत्ति है, अभी तुम खुद सोच रहे हो भगवान शायद हमें पालना नहीं करेंगे, इसलिए तुम पैसा को रख रहे हो, ठाकुर को पर विश्वास नहीं, ऐसे व्यक्ति भजन नहीं कर सकता है, इसलिए जाओ तुम जा करके क्या करो, अपना घर में वापस जाओ और वहीं पर घर में रहो, अभी तुम वैराग्य बनने का लायक है नहीं। उनको वहां से उन्होंने वापस भेज दिए, घर में भेज करके फिर उन्होंने अकेले गए। जब अकेले गए, रास्ता में उनकी भग्नीपति था, भग्नीपति श्रीकांत था, भग्नीपति, जब उन्होंने भग्नीपति ने उन्होंने देखा कहाँ प्राइम मिनिस्टर पद है, इतने बड़े पोस्ट को छोड़ करके भजने के लिए जा रहे हैं और भक्ति करने के लिए, और शरीर में कुछ नहीं, दाढ़ी जटा हो गया है। फिर उन्होंने एक कंबल दिया, भोट कंबल, उस समय में बहुत कीमती कंबल था, तो उन्होंने उनको ये कंबल दिया। जब कंबल दिया उन्होंने कंबल को ओढ़ करके, तो उन्होंने जब गए, जब महाप्रभु से उन्होंने मिले है, महाप्रभु के साथ में जब उन्होंने मिले, महाप्रभु इनको बारंबार देख रहे थे, बारंबार कंबल के प्रति देख रहे थे, क्योंकि महाप्रभु भगवान है, ये कंबल के प्रति देख रहे थे बारंबार है। इतने में वो समझ गए, वो तो बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर, समझ गए ये महापुरुष को पसंद नहीं कर रहे, क्यों? वो घर घर में जाकर के माधुकरी लेकर के, उसको लेकर के भजन करते थे, माधुकरी लेकर घर घर से लेकर भजन करते थे, लेकिन इतने कीमती है, उस समय बड़ा ही कीमती कंबल था। बोले भगवान तुम्हारी सारे बीमारी को छुटा तो दिए, लेकिन ये लास्ट बीमारी क्यों रखेंगे हैं? जा रहे हो घर घर में मांग करके, दो रोटी लेकर भजन करते हो, लोग देखेंगे देखो भीख मांग कर ले आया और इतने कीमती कंबल को ओढ़ करके रखा, इसलिए ये शोभा नहीं देता है, हैं? ये शोभा नहीं देता है। इसलिए महाप्रभु बारम्बार देख रहे थे, वो समझ गए महाप्रभु इसमें खुश है नहीं, महाप्रभु प्रसन्न नहीं। वो गए, एक कोई धोबी था, वो धोबी एक पहले पहले होता था, आपको देखना जैसे घर का जितने पुराना कपड़ा होता था, वो सारे पुराने कपड़े को एक करके उसमें एक कंबल बना देते थे, इधर गुदड़ी बनती है, हाँ गुदड़ी। एक व्यक्ति ने एक गुदड़ी को साफ करके सुखाने के लिए दिया था, तब ये इन्होंने बोले धोबी जी मेरे को उपकार कर गए, बोले क्या है, बोले ये कंबल को ले लो और अब जब गुदड़ी की इसको हमें दे दो, ये गुदड़ी हमें दे दो। भले आप इतने बड़े प्रामाणिक होकर के, विद्वान होकर के मेरे साथ में हंसी दिले क्यों कर रहे हो, हैं? कहाँ इतने कीमती कंबल तुम ओढ़ कर रखे, और ये कहाँ हाँ पुराना फट्टे फुट्टे कपड़े को मिला करके गुदड़ी बनाए, आप कह रहे हो क्यों ऐसे क्यों बोल, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सही बोलता हूँ। तो उन्होंने वो कंबल को दिए और गुदड़ी को शरीर में ओढ़ करके जब आए, हे महापुरुष देख बड़े खुश हो गए, हाँ बड़े खुश हो गए, देखो तुम वैरागी हो,
घर में भिक्षा मांग कर खाते हो और इतने कीमती कंबल को ओढ़ कर जाओगे तो ये शोभा नहीं देता है। भगवान तो तुम्हारी सारी बीमारी को खत्म कर दिए, मतलब इतने बड़े राज पोस्ट को तुमने छोड़ करके आए हो, लास्ट का बीमारी क्यों रखोगे साथ में, हैं? क्यों रखोगे साथ में? फिर उन्होंने उसको भी त्याग दिया। त्याग दे करके फिर उन्होंने चल 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 करके जब श्री जगन्नाथपुरी में आए, रास्ता में इधर उधर पानी पीना पड़ता था, हैं? पहले तो फिल्टर बेसिन था नहीं, जहाँ गए वहाँ के तालाब का नदी का पानी पी लिए, दो घर से दो रोटी मांगे खाए, ऐसे चलते चलते पूरी आए तो उनके शरीर में ना खुजली हो गई। उसलिए घर में खुजली, खुजली समझती हो? हाँ, उसको क्या बोलते हो? खुजली बोलते हैं जी। हाँ, जैसे जिसमें पीप निकलता, जिसमें पीक निकलता है, दांत जैसे ना, ऐसे उनका शरीर में ये हो गया, वहां से पस निकलता है। लेकिन जब इन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में आए, महाप्रभु इनको आलिंगन करने जा रहे थे, जब आलिंगन करने जा रहे थे इतने में सनातन गोस्वामी पीछे भाग रहे थे, बोले प्रभु क्या कर रहे हो, मेरे शरीर में खुजली हो गया है, इसलिए दाद हो गया, खुजली हो गया, इधर उधर का पानी पी करके आपका शरीर स्वर्णमय शरीर भगवान साक्षात है राधा कृष्ण मिल करके महाप्रभु बन करके आए, अगर आप मेरे को आलिंगन करोगे तो आपका शरीर में पीक लग जाएगी, है अपवित्र हो जाओगे। लेकिन महाप्रभु उनको जोर जबरदस्ती उनका आलिंगन किया, बोले देखो तुम्हारी शरीर से तो अगुर कर्पूर चंदन की खुशबू आ रहा है तुम्हारी शरीर से, है इसलिए भगवान हमें परीक्षा कर रहे। बोले क्या परीक्षा कर रहे भगवान? महाप्रभु कर भगवान मेरे को परीक्षा कर रहे, क्योंकि तो वैष्णव शरीर अपराकृत सदा है, भगवान की शरीर अपरा, भक्तों का शरीर अपराकृत है, जैसे भगवान की जन्म कर्म नहीं भक्तों का भी नहीं, भगवान के शरीर जैसे दिव्य है भक्तों का शरीर भी दिव्य है, इसलिए महाप्रभु का ठाकुर मेरे को परीक्षा कर रहे तुम्हारे द्वारा, अगर तुम्हारी हाँ खुजली को देख करके अगर मेरी घृणा हो जाएगी, अरे इसका शरीर में क्या है, फिर क्या होगा, मेरे को पाप लगेगा, मेरे को पाप लगेगा, भक्तों का शरीर में दिव्य शरीर में तुम जड़ ज्ञान कर रहे हो, इसलिए भगवान मेरे को परीक्षा कर रहे ठाकुर जी है। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे गंगा पानी है, गंगा पानी में आप देखना कभी कभी फेन है, कभी कभी बुदबुद उसमें होता है, बुलबुला होता है, इसको पाप मानी गई, इसको फेन को पाप मानी गई है, जो इंद्र ने जो ब्रह्म हत्या की थी वो ब्रह्म हत्या को चार जगह पर उन्होंने बांट दिया, ब्रह्म हत्या को चार जगह पर बांट दिया था, एक स्त्रियों में, एक पृथ्वी में, और एक वृक्ष का जो गंध होता है उसमें, और एक पानी में जो बुलबुला उसमें जो झाग होता है उसको अपवित्र मानी गई। लेकिन गंगा पानी में है, गंगा पानी में अगर बुलबुला हो, अगर उसमें झाग हो ना, लेकिन गंगा पानी है, लेकिन गंगा पानी में अपवित्र नहीं होता है, उसमें कभी कभी कीचड़ कीचड़ गंगा पानी है, देखते हैं ना कभी कीचड़ कीचड़ कीचड़, लेकिन होने पर भी पानी सब समय में पवित्र। उसी तरह जो वैष्णव लोग है, अगर वैष्णव का अंदर में कोई भी चीज अगर दिखे, कोई थोड़ी काला है, किसका थोड़ा दांत निकला हुआ, किसके शरीर में थोड़ी सी है, थोड़ी सी कोई बीमारी हुए, कहते ये सब चीज को देख करके अनादर नहीं करनी चाहिए, देखने से पाप लगता है। महाप्रभु बोले भगवान मेरे को परीक्षा कर रहे हैं, है तेरे को देख कर परीक्षा कर रहे हैं, क्या मैंने भक्तों का शरीर को देख करके क्या मेरे अंदर में घृणा आ रही नहीं, अगर आलिंगन नहीं करके तो मेरे को अपराध लगेगा। एक दिन सनातन गोस्वामी बड़े दुखी हो गए, बोले क्यों? बोले ये महाप्रभु हमको जोर जबरदस्ती आलिंगन करते हैं, आलिंगन जोर जबरदस्ती करते हैं, मेरे शरीर में पीक निकल रहा है, महाप्रभु आलिंगन करते हैं, मैं ये प्राण को तो त्याग दे दूंगा है, और अभी तक मेरे को कृष्ण मिले ही नहीं, इतना बड़ा पोस्ट छोड़कर भजने के लिए आया हूँ, अभी तो ठाकुर मेरे को मिले ही नहीं, फिर इतना बड़ा पद छोड़ने का क्या महत्व, मैं शरीर को जो रथ यात्रा होता है ना जगन्नाथ जी की, कहते उसको पहिया को नीचे अपना प्राण को मैं त्याग दे दूंगा, मैं त्याग दे दूंगा। इतने में महाप्रभु समझ गए, सब जानते हैं, तो महाप्रभु सनातन को बोले, बोले सनातन इधर आ, बोले ये शरीर तेरा नहीं, ये शरीर मेरा है, किसका है ये शरीर मेरा तेरा नहीं, तुमने मेरे चरण में समर्पित कर दिया ना, बोले हाँ,
तो जब तू मेरे चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर तेरा क्या अधिकार प्राण त्याग करने का? ये प्राण तो मेरा है ना, ये प्राण शरीर मेरा है, तुम्हारे शरीर अभी तुम इसकी मालिक ही नहीं। जो कुछ करना मैं करूंगा, तुम नहीं। देखो अगर प्राण त्याग करने से भगवान मिल जाते, एक बार नहीं मैं करोड़ बार प्राण को त्याग कर सकता हूँ। प्राण त्याग करने से ठाकुर नहीं मिलते, बल्कि प्राण त्याग करने से सुसाइड कर प्रेतात्मा बनना पड़ता है, भूत बनना पड़ता है। इसलिए प्राण त्याग नहीं करनी चाहिए कभी। और भगवान हमें ये मानव शरीर दिया है, कद देत ईस बिनु होत सनाई, कद 84 लाख जन्मों के बाद में कद सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी जो मानव शरीर दुर्लभ है, ठाकुर जी ये जन्म हमें ठाकुर जी दे दिया, क्योंकि इसी शरीर से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और किसी जीवन में बोलो किसी को राम राम कृष्ण कृष्ण बोले कोई कर सकता है? जैसे आप लोग यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हो, और कोई आकर के गधे कुत्ते कोई सुअर कथा सुन रहे हैं, भगवान की भजन कोई कर सकते हैं? प्रभु का नाम कोई नहीं कर सकते इंसान के सिवाय। इसलिए मानव शरीर नहीं, ठाकुर हमें कोहिनूर हीरे दिए। क्या दिए? कोहिनूर हीरे प्रदान किए ठाकुर जी हैं। इसलिए ये जीवन पा करके विषय में नहीं गवानी चाहिए, जितना दूर हो सके इस शरीर को। प्रभुपाद कहते हैं, कहते ये शरीर जरद गव शरीर। जरद गव शरीर मतलब क्या है? ये शरीर में क्या है? टाटी पेशाब खून पीक और कुछ है नहीं शरीर में। इस शरीर को मरने के बाद शरीर को क्या करते हैं? कोई छूते है? कोई जो छूते है उसको भी अपवित्र होना पड़ता है। मरने के बाद इस शरीर को अगर बिको कोई पैसा होगा? कोई पैसा देगा शरीर को बिकोगे? कुत्ते भी नहीं खाएंगे। इसलिए ये शरीर इतने अपवित्र ये शरीर है टाटी पेशाब का शरीर। लेकिन प्रभुपाद एक बात कहते हैं, लेकिन है तो शरीर टाटी पेशाब पी खून का, लेकिन ये शरीर से तुम परमार्थ को अर्जन कर सकते हो, मतलब इसी शरीर से तुम भगवान की भजन कर सकते हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जितना दूर हो सके ना उसको खोल दो, जितना दूर हो सकता है ये शरीर को रगड़ रगड़ करके ये शरीर से लाभ को उठा लो, ये शरीर से लाभ उठा लो। जैसे तुम लोग सवेरे उठ करके हरिनाम कर रहे हो, तिलक लगाए हो, ठाकुर का नाम कर रहे हो, समझो तुम्हारी शरीर देना सार्थक हो गया, तुम्हारे शरीर सार्थकता हो गया। क्यों? अब इसी शरीर से आप भगवान की भजन कर रहे हो। उसको खोल दो तो संजीत खोल दो। इसलिए ये शरीर से हम क्या कर रहे हैं? भगवान की भजन कर रहे हैं, हैं? इसलिए शरीर को जितना दूर हो सके उसको रगड़ करके प्रभु की भजन प्रभु की भक्ति में लगा दो, फिर ये शरीर तुम्हारी सार्थकता हो जाएगी। इसलिए ये सनातन गोस्वामी महाप्रभु इनको दे करके बड़ी बड़ी महाप्रभु ने शिक्षा प्रदान किया। शरीर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं भगवान की भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। ये शरीर को भगवान की भजन में ये शरीर को लगा दो। इसलिए सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया, जाओ वृंदावन में जाओ, है जगन्नाथपुरी से बोले जाओ वृंदावन में जाओ। वृंदावन में जाकर के जो ठाकुर जी जो लुप्त हो गए हैं ठाकुर, हाँ भगवान जो लुप्त हो गए उनको पुनः उद्धार करो। इसलिए उन्हें वृंदावन में आए और आकर के इनका नित्य नियम था, बोले क्या नित्य नियम था? रोज वृंदावन में रहते थे, चलते चलते गोवर्धन तक जाते थे, पूरी गोवर्धन परिक्रमा लगाते थे, गोवर्धन से वृंदावन आते थे मथुरा, क्योंकि जब वृंदावन में रहते थे 5.5 साल पहले वहाँ पर कोई घर मकान कुछ नहीं था, भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, हैं? इसलिए इसको इसलिए अकबर इसका नाम रख दिया फकीराबाद। क्या नाम रख दिया? फकीराबाद। फकीराबाद वृंदावन को, क्यों? फकीर लोग, जो फकीर लोग यानी फकीर समझते कि नहीं, तो साधु लोग रहते थे वहाँ पर, इसलिए फकीराबाद रख दिया। इसलिए और वो मथुरा जाते थे, वहाँ पर जो ब्राह्मण घर चौबे का घर होता था वहाँ से माधुकरी लाते थे, रोटी की माधुकरी लाते थे, ला करके फिर वृंदावन में आकर के भोजन करते थे, हाँ इतने कष्ट से अपना जीविका को निर्वाह करते थे। इसलिए जब आते थे, लेकिन आते समय मतलब दिन में समझो करीब करीब 50 किलोमीटर रोज चलते थे। कितना चलते थे? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर रोज चलते थे। देखो उस समय कोई ये नहीं था, अभी हमको ना बड़े कष्ट लगता है ना, नहीं क्योंकि उसी समय ना लोग जो हमारे जैसे नाटे नाटे से नहीं थे उस समय में, वो बड़े लंबे चौड़े लोग होते थे,
समझो वहां तक भी लोग छत तक लोग होंगे, इसलिए बड़े लंबे लंबे लोग होते थे और चलते थे इतना तेजी से हैं, चलते थे इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं था। परिक्रमा करना यहाँ से चल कर जा कोई दिक्कत नहीं होता थी, इसलिए आ करके तभी कोई चीज को उन्होंने ग्रहण करते थे, इतने कष्ट करके भजन करते थे। लेकिन जब वो आते थे मथुरा में, एक चौबीनी थी, वो चौबीनी चौबीनी समझते जो चार वेद को जानने वाले हैं, चौबे जिनको कहते हैं, उनको घर में था ये मदन मोहन। जब आते थे वो मदन मोहन को दर्शन करते थे, दर्शन करके आते थे, लेकिन वो चौबीनी की एक बेटा था है, लेकिन वो जो चौबीनी थी, जो पहले लोग है ना, इतने भक्तिमान होते थे, इतने ठाकुर को विश्वास करते थे, उनकी इतनी विश्वास होती थी, उनके घर में जो मदन मोहन ना वो बालक बन जाता था, इसलिए वो मानते थे मेरे में दो लाला है, ये मदन मोहन भी एक लाला है और मेरा बेटा भी एक लाला है, इसलिए मदन को बोलते थे मदना, जैसे प्यार से बोलते ना हाँ मदन मदना, और उसका जो बेटे का नाम था सदना, वो प्यार से बोलते थे मेरे दो लाला, एक मदना मदन मोहन और एक सदना है। इसलिए जब एक दिन सनातन गोस्वामी गए, देखा वो कैसे क्या करती थी, जैसे देखना बच्चों को अगर नींद खुल जाए ना, बोले मैया भूख लग रही है दूध पिला दे, हाँ दूध पिला दे दूध पिला दे, बच्चे उठते भूख लगती है बच्चों को, अभी उनने सवेर जाकर देखा अभी स्नान के लिए गए ही नहीं, पहले तो बाथरूम था नहीं, जंगल में जाना पड़ता था, यमुना में जाकर नहाते थे तभी आते थे, घर का काम करती थी, घर में तो था नहीं कुछ, इसलिए वो माता जी सवेर उठ करके मदना सदना रो रहे थे, उनको मैया ने किया कि खिचड़ी बनाई, एक हाथ में दांतन कर रही थी, हाँ दांतन कर रही थी और दूसरे हाथ से खिचड़ी चला रही थी, अभी कपड़ा छोड़ी नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी क्या जानती है, भगवान मदन मोहन भगवान है, इसलिए भगवान को हम कैसे भोग लगाते हैं, सवेरे स्नान करके तिलक आनी करके पवित्र होकर तो ठाकुर के लिए बनाते हैं ना, लेकिन वो जैसे कपड़ा पहने उसी कपड़ा से इधर दांतन कर रही है, दूसरे हाथ में खिचड़ी चला रही है, हैं? इसको देख करके बोले माताजी माताजी ये ठाकुर जी के लिए आप ऐसे भोग लगाते हो, इधर दांतन कर रहे हो उधर खिचड़ी चला रहे हो, हैं? और इधर थूक गिर रहा है इधर, फिर तो कपड़े भी बदलाए हुए नहीं कपड़े, अभी अभी तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, ये पाप लगेगा। बोले बेटा हम तो अज्ञानी मूर्ख गमा रहे, हमें तो कुछ पता है नहीं, ठीक है कल से मैं स्नान करके पवित्र होकर के ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना मैं खिचड़ी बनाऊंगी। फिर दूसरे दिन सनातन गोस्वामी रोज आते थे, जब आए ना अभी तो जंगल में जाकर शौच क्रिया करेंगे, यमुना में नहाएंगे नहा धो करके फिर बनाएंगे, समय तो लगेगा, लेकिन जब सवेरे गए ना देखा दोनों बच्चे उठ करके, इसे बच्चों का स्वभाव है उठते ही भूख लग जाती है, मैया के पास में चलती है हमें रोटी दे दो हमें दूध दे दो, उन्हें जब गए ना देखा दोनों ठाकुर जी और सदना दोनों बैठ कर रो रहे, बोले मैया भूख लग रही है मैया हमें दूध पिला दे मैया रोटी मक्खन खिला दे मैया, जैसे बच्चों का स्वभाव होता है रो रहे हैं बच्चे। सनातन गोस्वामी देख करके बोले देखो आज ये पवित्र बन करके हैं पवित्र बन करके ठाकुर को भोग लगाएगी, लेकिन ठाकुर जी रोज जैसे खिलाती थी हाँ उसी कपड़ा में और उसी शरीर में, लेकिन ठाकुर जी खाकर खुश थे ठाकुर जी खाकर खुश थे, लेकिन ये पवित्र बनाकर आज ही बनाएगी, लेकिन ठाकुर जी रो रहे। भैया भक्ति किसको कहते हैं, अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, उसको उत्तम भक्ति कहते जो करने पर ठाकुर जी प्रसन्न हो, भगवान की खुश हो, ठाकुर जी इन्हीं में ही खुश हुए, क्योंकि भक्ति दो तरह का है देखो, एक वैधि भक्ति और एक राग भक्ति। वैधि भक्ति किसको कहते हैं, जैसे अभी हम लोग करते हैं, सवेरे उठे हो नहा धोए हो कपड़ा बदले हो तिलक लगाए हो हैं हानि करे हो पवित्र होकर, इसको कहते हैं वैधि भक्ति सब चीज को। कहते राग भक्ति किसको कहते हैं, जो स्वाभाविक रूप में, जैसे एक माँ जैसे बच्चे अभी बच्चा अभी रो रहा है दूध के लिए, बच्चा अभी रो रहा है रोटी के लिए, मैया अगर स्नान नहीं की बासी कपड़ा पहनी हुई, मैया सोचती बच्चे को खिला कैसे बिना नहाए धोए बच्चे को कैसे खिलाएगी, मैया सोचती है ना क्या, जूसी अवस्था में उसी अवस्था में मैया बच्चे को खिला देती है ना, क्यों उसको पता ये मेरे बेटा है ये मेरे बेटा, जरूरत नहीं इसके लिए स्नान करने के लिए। कहते जो राग भक्ति उसे कहते हैं जो इष्ट स्वराश की भाव हो, जो अपना इष्टों के प्रति जो स्वाभाविक रूप में जो प्रति हो है स्वाभाविक रूप में, ये मेरे लाला है ये मेरी लाला है
इसलिए भगवान को अपना लाला समझती थी, इसलिए थोड़ी भगवान तो इसमें खुश हो रहते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं ना, ठाकुर कहते भगवान प्रेम के भगवान भूखे हैं, इसलिए बोले भैया आपको माता जी आपको स्नान करने का जरूरत नहीं, अब जैसे पहले ठाकुर को भोग लगाते थे ऐसे भोग लगाया करो। ठाकुर इसमें ही खुश है, इसमें ही ठाकुर जी खुश है। एक दिन ठाकुर जी बोल पड़े, बोले सनातन मेरे को तो साथ में ले चलो, तेरे साथ साथ चलूंगा। बोले कहाँ चलोगे मेरे साथ साथ में? बोले तू यहाँ रहते हो, बोले तू इतने हैं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया तरह की रोटी सब्जी मक्खन मिल रहा है, खिचड़ी मिल रही है, खिचड़ी घी खिचड़ी मिल रहा है, इतने बढ़िया सुंदर सुंदर खाना पीना मिल रहा है, मैं बाबा लोग हूँ, मैं दो हाँ कहीं से चून थोड़ा मांग करके ले आता हूँ, कभी तो पानी में घोल कर खा लेता हूँ, नहीं तो बगैर हाँ नमक के टिकिया बना करके ठाकुर को भोग लगा खा लेता हूँ। इसलिए भैया तेरे पिताजी के पास में 9 लाख गैया थे, तभी तेरा पेट नहीं भरता था, तभी तू चोरी चोरी कर खाता था, भैया हमसे नहीं हो पाएगा, यहीं पर रह कर बढ़िया चकाचक यहीं पर तू भजन कर। बोले नहीं बाबा तू जो दोगे ना मैं वही खा लूंगा, लेकिन मेरे को तू साथ में ले चलो, हाँ मेरे को तू साथ में ले चलो। फिर सनातन गोस्वामी उनको लेकर कहाँ चले आते हैं? श्री वृंदावन में चले आते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे फिर उसको हम कल सुनेंगे। ठीक है, भगवान की सेवा भक्ति उन्होंने कैसे साधना भजन करते थे। बोले भंशाकुल पितरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा इनका फोटो ले लो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।